सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोकट्टा को और साथ में आने वाली बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोकट्टा पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। बिटकॉइन एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। अभी डिजिटल और फिजिकल करेंसी क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर सपोज हम कहीं से कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हम उनको पेमेंट करते हैं या फिर कैश देते हैं, ठीक है। अगर हम पेमेंट कैश से करें तो वो हो गया फिजिकल पेमेंट या फिर फिजिकल करेंसी। और उसके अलावा अगर हम किसी डिजिटल वॉलेट जैसे कि पेटीएम है, भीम ऐप है, उसके थ्रू करें उसको पेमेंट, तो वो हो गया डिजिटल करेंसी, ठीक है। बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज इसलिए कहा जाता है, जैसे इंडिया में इंडिया की जो करेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई के अंडर में प्रोसेस होती है, यानी कि कितने टाइम में कितने प्रिंट करने हैं या फिर कितनी करेंसी आपको किस बैंक में भेजनी है, ठीक है, ये सब सेंट्रलाइज के थ्रू होता है, यानी कि रिजर्व बैंक उस पर कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन में होता क्या है, बिटकॉइन एक वर्ल्ड वाइड करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ना तो इस पर कोई कंट्रोल कर सकता है ना ही इसको। जनवरी 2009 में संतोषी नाकामोटो नाम के इंसान ने बिटकॉइन का इनिशिएटिव किया था, ठीक है। 2013 में उसकी करेंसी का रेट, जो बिटकॉइन का जो रेट था वो लगभग $22 था, ठीक है। लेकिन 2013 के बाद वो रेट जो है वो हाइक हो गया, $22 से वो $226 तक पहुंच गया, ठीक है। वहां से लोगों ने ज्यादा बिटकॉइन को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग इंडिया में आपको एक बिटकॉइन के 2,16,000 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। बिटकॉइन में अगर आपके कुछ एडवांटेजेस भी है, सपोज आप एक ट्रांजेक्शन करते हो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, ठीक है, या फिर अगर चार्ज भी लगे तो सबसे कम चार्ज आपको ट्रांजेक्शन में लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिटकॉइन कमाई कैसे जा सकती है, ठीक है। सिंपली आप आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कैश और कैश पेमेंट करके भी आपके बिटकॉइन वॉलेट में आप बिटकॉइन ले सकते हैं, यानी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बिटकॉइन माइनिंग भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इंडिया में आपको कुछ डिजिटल एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड और iOS के लिए जिसके थ्रू आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक लाल बटन है उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।